या फवाद चौधरी के साथ शहबाज गिल जैसा सलूक होने वाला है। सीनियर सहाफी और एंकर पर्सन मंसूर अली खान का कहना है कि पीटीआई को डर है कि फवाद चौधरी के साथ भी ऐसा सलूक ना हो जाए जो इन्होंने शहबाज गिल के साथ किया था। उनका कहना था कि शहबाज गिल के साथ जो कुछ हुआ उसकी तमाम तर तफसीलात मेरे पास आ चुकी हैं जो बताने के काबिल नहीं, लेकिन मैं सब कुछ जानता हूँ। शहबाज गिल के साथ होने वाली नाइंसाफी के बारे में मंसूर अली खान ने कहा कि शहबाज गिल के साथ जो सलूक किया गया वो गैर इंसानी और गैर कानूनी था। उन्हें इस गैर कानूनी और गैर इंसानी रवैये का सामना करना पड़ा। पीटीआई चेयरमैन इमरान खान ने शहबाज गिल के बारे में जो बताया वो सब सच है और इमरान खान ने उनके बारे में बहुत कम बताया था। शहबाज गिल के साथ इससे कहीं ज्यादा गलत सलूक किया गया था। सीनियर एंकर का कहना था कि इंसान को जो जिस्मानी जख्म मिलते हैं उनका इलाज मुमकिन है, लेकिन जो दिल या नफसियाती जख्म हो उनका इलाज नामुमकिन है। मंसूर अली खान का कहना है कि पीटीआई को खदशा है कि शहबाज गिल के साथ जो सलूक हुआ वो फवाद चौधरी के साथ भी ना हो जाए, इसलिए पीटीआई उन्हें जल्द से जल्द रिहा करवाने के लिए कोशा है। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर वन। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद पे निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड, सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।